क्या रहता था, मैं जब एनसीईआरटी पढ़ता था सब चीजें ठीक लगती थी, लेकिन लास्ट वाले चैप्टर होते थे ना छोटे छोटे चैप्टर, उनको मैं हल्के में निकाल देता था। मतलब जो होते हैं ना केमिस्ट्री ने एवरी डे लाइफ था पहले, और भी एक दो चैप्टर थे पॉलीग्लॉट्स बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स वगैरह, तो उनको क्या करता था, मेरी गलती थी ये एग्जाम टाइम पे कि मैं उनको जल्दी जल्दी में निकाल देता था कि ठीक है हो जाएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा। और वहां पर जाकर मैं इतना नहीं देखा था, तो मेरे जो भी क्वेश्चन गलत हुए थे उन्हीं चैप्टर से गलत हुए थे। मैं जो भी क्वेश्चन मुझे एक सरफेस केमिस्ट्री से गलत हुआ था और दो बायो मॉलिक्यूल से गलत हुए थे, एक क्वेश्चन और गलत हुआ, चार क्वेश्चन टोटल गलत हुए थे मेरे, चारों ऐसे गलत हुए थे। और छोटे छोटे क्वेश्चन थे सबके सही हुए थे, क्योंकि मैं उनको जल्दी में निकाल दिया था। जो टफ क्वेश्चन थे एक भी गलत नहीं हुए थे, तो एक गलती नहीं करनी है अपने को। मार्क्स तो इक्वल होते हैं ना दोनों के, सिंपल हो थोड़ा सा करने पर हो जाएगा, मार्क्स तो इक्वल ही है अपन सब जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो अपने को ये नहीं करना है, सभी को अच्छे से पढ़ के चलना है। कोई भी टॉपिक है ना इजी, अपने को इजी लग रहा है, ऐसा नहीं कि उसको निकाल दिया छोड़ दिया, उसमें क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली गलत हो जाएगा अगर अच्छे से नहीं पढ़ाए तो अपने। और मैंने क्या किया था, पूरी साल जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ ही रहा था, मतलब तो अपन नोट्स भी पढ़ रहा था, एंड टाइम पे मैंने क्या किया था, जो लग रहा था थोड़ा सी मान लो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, उसको ऐसे साइड में जो अपनी जगह हुई है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग, ये सब चीजें नोट्स के नोट्स में ऐसे पढ़ाते हैं अपने को, जो सर पढ़ाते हैं तो अपने को डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन एनसीईआरटी में रनिंग में लिखा है, जो सब चीजें थी ना जो नोट्स की, उसको एनसीईआरटी में लिख दिया था साइड से। एनसीईआरटी ने जहाँ पे दिया है मान लो एक मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया है, इसमें ऐसे लिख रखा है लैंग्वेज में, तो उसको मैंने साइड से लिख लिया नोट से, जो सेम चीजें हैं, बस वही चीजें जो इंसान नोट्स में थोड़ा डिफरेंट वे में और इजी वे में, वो एनसीईआरटी में रनिंग वे में लिखी हुई है, उनको मैंने साइड से लिख लिया था। और अपनी एनसीईआरटी मैंने ऐसे कर ली थी कि मुझे एंड में कुछ ना पढ़ना पड़े, सिर्फ एनसीईआरटी से ही काम हो जाए, कुछ भी अदर सोच ना पढ़ना पड़े, नोट से किया था मॉडिफाई। क्योंकि अपन इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना, इनऑर्गेनिक ऑर्डर होते हैं फाइव वगैरह होता है, जो एनसीईआरटी में एक जगह नहीं दिया है, तो जहाँ भी जो टॉपिक मिल रहा है अपने को, अगर जब नोट्स तो दो तीन बार पढ़ चुके होते हैं, तो अपने एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अरे ये नोट्स वहाँ पर दिया है, तो उसको उसी फॉर्म में लिख लो वहाँ पर, नहीं समझ में आ रहा है तो। और जो भी टेम्परेचर वगैरह वाली रिएक्शन होती है, जो टेम्परेचर से क्या होता है चेंज हो जाता है प्रोडक्ट, वो सारे टेम्परेचर भी याद रखना है अपने को, कितने टेम्परेचर में क्या हो रहा है, एक एक टेम्परेचर एक एक चीजें सब चीजें याद रखनी होती है अपने को, समझ में आ रहा है। इस तरह से अपने को इनऑर्गेनिक पढ़ना है। और देखो, और अपन पहले बात करते हैं फिजिक्स और फिजिकल की, एक साथ बताता हूँ क्या करना है। अब आप पढ़ चुके हो, आपका एग्जाम है, अगर आप दोबारा से नोट्स पढ़ोगे या नोट्स से क्वेश्चन लगाने आप बैठ गए, तो आपका एक दिन में एक चैप्टर में चला जाएगा पूरा, नोट्स को दोबारा सॉल्व करने बैठे, तो अब अपने पास टाइम नहीं है इतना। अपने को क्या करना है, सीधा प्रीवियस ईयर उठाना है उसका, जिस भी चैप्टर के आपको लगाना है, जो आपको करना है प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं सारे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग है, तो पढ़ने नहीं है ना नोट्स, आपके क्वेश्चन लग ही रहे हैं, एग्जाम में भी लग जाएंगे, सीधी सी बात, यहाँ लग रहे हैं तो मान लो आपको कोई चैप्टर का कोई पार्टिकुलर टॉपिक के नहीं लग रहा है, किसी टॉपिक के नहीं लग रहा है, तो उस टॉपिक को अपने को नोट्स निकालना है, पढ़ना है अच्छे से, फिर वो क्वेश्चन लगाना है। और आपको क्वेश्चन लग रहे हैं डायरेक्ट, तो उनको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है नोट्स से, फिर आप बढ़ जाओ, मतलब पूरा चैप्टर आपसे लग गया, प्रीवियस ईयर लग गया, या फिर और भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो लग गए, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, नोट्स नहीं खुलने उसमें, और टाइम नहीं है अपना, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, और आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन और भी कर रहे हैं वो भी सॉल्व हो रहे हैं, तो आप भी हो ही जाएंगे अपने से सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। फिजिक्स में अपने को ये करना है, वो ये नहीं कि नोट्स पढ़ने बैठो, तो आपका अगर आप नोट्स पढ़ने बैठे अभी से, तो एग्जाम तक नोट्स ही हो पाएंगे ना, कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा ना कोई कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर का, या फिर कोई भी क्वेश्चन बनना है, वहां पर तो क्वेश्चन ही आएंगे ना, क्वेश्चन बनना है अपना, सिलेक्शन होना है फिर तो फिजिक्स में, तो फिजिकल में भी यही है, जो क्वेश्चन आप लगातार स्टार्ट क्या करना है, नोट्स तो इतनी बार पढ़ चुके हैं और लग रहा है कि फिर भी नहीं बनना, थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ये था अपना, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है बस खत्म हुआ अपना चैप्टर, ये फॉर्मूला खत्म, बस 5 मिनट में नोट्स देखना है ऐसे जल्दी, जो फॉर्मूला एक बार स्कैनिंग कर लिए, सीधा क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ, एक ही लाइन पढ़ने बैठ गए तो कुछ नहीं होना उससे, सीधा क्वेश्चन उठाए अपने और लगाने बैठे, कितने बनना है, किस टॉपिक के नहीं बनना है, किस सब टॉपिक के नहीं बनना है, जिसके नहीं बनना है उसी को पढ़ना है, जिसके क्वेश्चन बनना है जरूरत नहीं है, फिजिक्स और फिजिकल में ही करना है। और जब अपन फिजिक्स की जब एनसीईआरटी अपन पढ़ने बैठते हैं, तो अपने को क्या करना है, इसमें जो एनसीईआरटी में जो डाटा बेस चीजें दे रखी हुई है ना, जो थ्योरेटिकल दे रखी है, आजकल क्या हो रहा है, 5 या 6 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ऐसा नहीं कि रटने वाले होते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्चुअल होते हैं, अपन देखा जाए जो फॉर्मूला बेस होते हैं वो रटने वाले होते हैं, फॉर्मूला से काम हो जाता है, लेकिन जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कॉन्सेप्ट, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, उन सब कुछ अपन पढ़ रहे हो, कौन से एंगल से आ रहा है क्या रहा है, तो एक एक बार पर फोकस करना है, जो यूज है पोटेंशियोमीटर वगैरह के, कहाँ पे जीरो हो जाता है क्या होता है, ये सब चीजों को अच्छे से पढ़ के चलना है अपने एनसीईआरटी में। अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो की है तो, अगर आपने एनसीईआरटी अब तक नहीं पढ़ी है, अपने एग्जाम होने वाले हैं, तो नोट्स में जो थ्योरेटिकल चीजें दे रखी फिर उन्हीं को पढ़ के जाओ, अब अपने पास टाइम नहीं है इतना कि अपने एनसीईआरटी को फिर से पढ़ें, एकदम फिजिक्स की एनसीईआरटी वो भी नहीं पढ़ पाओगे, तो नोट्स में जो भी दे रखा है सर ने पढ़ाया है ये सब चीजें, उसको अच्छे से अंडरलाइन किया, पढ़ लिया, आगे बढ़ा।
ठीक है, अब नहीं करना एनसीईआरटी का, 10 दिन बचे हुए अपने पास। तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है फिजिक्स में जितना हो जाए, फिजिक्स की तैयारी नहीं करनी, सिर्फ फिजिक्स में क्वेश्चन लगाने अपने को, प्रीवियस ईयर के तो लगाने लगाने सारे, 2010 से लगा लो सारे। हम उनके लिए बता रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़ी हो अब तक, नहीं पढ़ी है, और आप लोगों ने जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको क्या करना है, जो आपने अंडरलाइन कर रखा है चीजें, जो आप समझ चुके हो उन चीजों को अच्छे से पढ़ के जाना है एनसीईआरटी में। कैसे करना है, जो आपने मान लो कोई चैप्टर लिया अपना, उसे क्वेश्चन सोल्व कर लिया आपने, अब उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी खोल लेना है उसी चैप्टर का, लगाया है उसको कंप्लीट करना है। उसके लिए अब क्या करना है, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे उनका देखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले तो वही जो प्रीवियस ईयर में आ रहे थे ज्यादा, अब क्या आने वाले थ्योरेटिकल ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर अपने को देखना है ऐसे सीधा, फिर एनसीईआरटी से एक बार देख लेना है, रीडिंग लगा लेना है। और फिजिक्स एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन में नहीं होता है, पता है, और आप इसको डेरिवेशन में थोड़ी देखोगे, ये क्वेश्चन भी हो गए, बस वो चीज जो आपको लग रहा था कि पढ़ना चाहिए, या जो समरी दिए हैं, या जो ब्लू बॉक्स दिए हैं, ब्लू बॉक्स से टॉपिक आते हैं, क्वेश्चन आते हैं हमेशा, जो ब्लू बॉक्स दे रखे हैं, या जो ऑर्डर दे रखा है सब चीजों का, उनको अपने को क्या करना है, फोकस करके रखना है एकदम, ब्लू बॉक्स दे रखा है, फिर कुछ समरी तो अपने को पढ़ना ही है सारी, जो बॉक्स में चीजें दे रखी हैं, या फिर कुछ बोल्ड कलर में दे रखा है कुछ लाइन्स, तो वो अपने को अच्छे से करके चलना है इसमें, एनसीईआरटी पढ़ना ही है। और क्या करना है, पहले बार क्वेश्चन लगा दिए, उसके बाद एनसीईआरटी भी हो गई, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर पे गए, फिर क्या करना है अपने को, एनसीईआरटी पढ़ना है, वही पहले क्वेश्चन लगाना है, फिर एनसीईआरटी पढ़ना है, जो बॉक्स दिया है जो पढ़ना है बस पढ़ लिया, निकल आप इसमें, अब एक लाइन नहीं पढ़ पाओ, जो अपने पहले पढ़ रखा है वही पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन आएंगे ना डेरिवेशन पे, जैसे कि स्कैटरिंग और लाइट वगैरह दे रखा है, ये अच्छे यहाँ से क्या होता है, अपने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कब क्या हो रहा है, इन सब चीजों को पढ़ना है अपने को, नहीं करना इनको इग्नोर, पढ़ रखा तो अच्छे से पढ़ के जाना है, जो अंडरलाइन कर रखा है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है फिजिक्स में, तो एक थोड़ा एक क्या होगा कॉन्फिडेंस आया कि हमने एनसीईआरटी भी पढ़ी है, पूरा हो जाएगा ना। पूरी साल अपन क्या करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स को देते हैं, बायो को तो नहीं देते, सबसे ज्यादा फिजिक्स को देंगे, फिर अपन केमिस्ट्री को देते हैं, तब बायो को देते हैं, एंड टाइम पे जितना जिसको सबसे ज्यादा टाइम दिया तुमने, जिसको ये सबसे ज्यादा मेहनत की उसको आप उठा देते हो साइड में, फिर बायो पे आ जाते हो, बायो को पहले ही तुम सबसे कम टाइम देके चल रहे हो, जब अपने उसको करोगे सर उसमें नंबर आएंगे, थोड़े से आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे नंबर, इन जो तीनों को चलो साथ में देखे, बल्कि शुरुआत से ज्यादा मेहनत करना है, तीनों में इक्वल करना होता है, वैसे जब आप कर रहे हो तो आपको बायो में भी उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, क्या करते हैं 1-2 घंटे बायो पढ़ते हैं मुश्किल से, और सारा टाइम फिजिक्स में दे देते हैं, और फिर एंड में आके लीव कर देते हैं उससे पता नहीं क्यों, पूरी साल जिसमें आप सबसे ज्यादा पढ़े हो उस पर तो फोकस करो कम से कम, बायो तो करनी करनी है, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है, वो तो करना ही करना है अपने, लेकिन आप जो चीज पढ़ चुके हो, जो एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, और आपने एंड टाइम पे नहीं पढ़ा, एक बार आपने मिस कर दिया जो भी आपने पढ़ा है वो चला गया, कोई मतलब का नहीं है, और आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिया है उसका बार बार आप रिविजन नहीं कर रहे हो जो भी टॉपिक अपना, तो कोई मतलब का नहीं आपने जो पढ़ा है, फिर याद ही नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, पढ़ के छोड़ दिया क्या मतलब है, मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है फिजिक्स की, सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ दिए तो उससे कुछ याद थोड़ी रहेगा एग्जाम में, और आपने शुरू में पढ़ के छोड़ दिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, जो लास्ट के 10 या 5 डे होते हैं ना, जो भी आपने पढ़ा है सारा एक बार आपकी आंखों के आगे से निकलना चाहिए, तब जाके चीजें वहां पे याद आती हैं, जो भी टॉपिक हो चाहे एंड तक पढ़ना होता है अपने को, लास्ट डे तक, ये नहीं कि 2 दिन पहले पढ़ाई बंद कर दी, ये सब चीजें नहीं करना होता है, अगर आप पढ़ोगे तो आपके मार्क्स ही बढ़ेंगे, जो चीजें ना स्कैनिंग हो रही है बार बार चीजें बढ़ेंगी, आपको जो टेम्परेचर वगैरह छोटी छोटी चीजें उन पर फोकस करो, और आपको एंड टाइम पे लग रहा है कि सर अब बोर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो डायग्राम ही खोल लो सीधा, अपने एनसीईआरटी खोला, नहीं मन लग रहा है मान लो लास्ट वाले दिन थोड़ा लग रहा है, तो डायग्राम देख लो, अच्छे इसमें ये, इसमें ये, तो डायग्राम देखते जाओ अपने, ये दे रखा है छोटी छोटी चीजें देख लो, बस ऐसे देख लो, और अपने लिव नहीं करना है, जो टेम्परेचर है, डेट है, डाटा है, इन सब चीज़ पर फोकस करके चलना है अपने को, ठीक है। और फिजिक्स में आपने तो एनसीईआरटी पढ़ रखी है अच्छे से, समरी पढ़ रखी है, इन सबको पढ़ के जाना है अपने को, समरी को, और कैसे पढ़ना है अपने को, कोई क्वेश्चन लगाना है तुरंत से चैप्टर कर लेना है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा, 2 या 3 वर्ष में हो जाएगा पूरा अपना, नेक्स्ट चैप्टर चले जाना है। अगर आप नोट्स पढ़ोगे एकदम तो अच्छे से बारीकी से, फिर सोच रहे हो उससे अच्छे से उतनी बारीकी से आप फिजिक्स भी पढ़ लो, तो उसमें 1 दिन में पूरा चैप्टर हो पाएगा, टाइम नहीं है इतना, समझ, 2 या 3 दिन में फिजिक्स खत्म करना है अपने को, बायो खत्म करना है ऐसे ही, तब अपने को ऐसे करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा पूरा, एक कार्टेशियन साइन वगैरह, एक कन्वेंशन वगैरह सब एक बार देख लेना है, उनको कम से कम अभी भी सॉल्व कर सकते हैं उनको, तो जो थ्योरेटिकल आप पढ़ के आ रहे हो तुरंत, उसमें देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन से दे रखे हैं, हो सकता है क्या होता है जो पीछे अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए ना एज टू एज एग्जाम में आ रहे हैं, तो इनको अपने को क्या करना है एक बार पूरा देख के चलना है, ठीक है, अपना फिजिक्स में ये करना है, फिजिकल में भी ये करना है अपना, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने नोट से पहले कोई फॉलो कर लो अगर अच्छे से कर रखा है, और आप एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, आता है फिर जो उसके मतलब यूजेस वगैरह दे रखे हैं किसी केमिकल वगैरह के, उन पर फोकस करना है, रिएक्शन तो याद होंगी अपने को,
रिएक्शन हो सकता है कोई टेम्परेचर नहीं लिखा हो भाई, तो टेम्परेचर को देख लो और जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म वगैरह कुछ दे रखा है। ये तो शुरू मैंने पूरे नहीं लगाए थे एंड में, कुछ चैप्टर भी छोड़ दिए थे। और 11th वाला क्वेश्चन जैसे फिजिक्स मैथ्स का मुझे तो थोड़ा सा टफ होता है लगता है मुझे। 11 11 फिजिक्स जिसमें ऐसे चेन वेव्स ऑसिलेशन और काइनेमेटिक्स वेक्टर्स, तो उसमें सीधा क्वेश्चन लगाओ आप जितने ज्यादा। पता है क्या होता है काइनेमेटिक्स में, क्वेश्चन ऐसा होता है आप, तो हो सकता है किसी चीज में बहुत ज्यादा टफ आ जाए या टाइम कंज्यूमिंग आ जाए, डरना नहीं है उसके लिए। या फिर हो सकता है बहुत बार एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोड़ के नहीं आना है टॉपिक को, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ के आना है। हो सकता है सिर्फ फॉर्मुला वाइज क्वेश्चन पूछे, तुम्हारा क्वेश्चन क्या तुम छोड़ के चले गए तो वो भी नहीं बनेगा, पढ़ के सारे टॉपिक जाने अपने को और क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ ज्यादा से ज्यादा। फॉर्मुला सबके पढ़ के जाना, कोई भी टॉपिक अपने को फिजिक्स में छोड़ के नहीं जाना है। क्या पता हो सकता है जो तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो वहां से लेंथ क्वेश्चन आ जाए या कैलकुलेशन वाला आ जाए, तुमने अच्छे से पढ़ा है, जो तुम छोड़ के जा रहे हो वहां से एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाए, तो फिर लगेगा इसको पढ़ ले तो अच्छा रहता है, जो पढ़ के गए उसमें बहुत लेंदी हो रहा है इस वजह से नहीं क्वेश्चन बनना है, या फिर कैलकुलेशन बहुत आसपास आ रही है, तो अपने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ के जाना है, छोटे छोटे टॉपिक भी पढ़ के जाना है। हो सकता है बहुत सिंपल क्वेश्चन देते हैं वो, तुम सिर्फ फॉर्मूला पूछ लें या बेसिक चीजें पूछ लें उनसे थ्योरी में, तो वो तो कम से कम बना ही सकते हो आप, छोड़ के कुछ नहीं जाना ये कोई टॉपिक। ये सोचते ना कि चार चैप्टर कर लेते हैं इतना नंबर हो गया हमारा, हो सकता है उससे बहुत टफ क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है उस बार उससे वेटेज कम देते हैं, फिर क्या करोगे, छोड़ोगे कोई टॉपिक नहीं जाना। यूनिट एंड डायमेंशन से 3 क्वेश्चन आए थे हमारे टाइम पे, और छोड़ के चले जाएंगे तीनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, सिंपल है एकदम पढ़ो तो। ये सब चीजें नहीं छोड़ के जानी होती, छोटी छोटी चीजें ही करके जानी है अपने को, भले ही हो सकता है आप कोई कुछ चैप्टर है कि थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या कहते हैं सोचो पूरा छोड़ने की जगह जितना कर सकते हो उतना करके चले जाओ। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।